अगर आपके घर में या ऑफिस में वाईफाई नेटवर्क है, यानी कि वाईफाई राउटर आपने बिठाया है, तो आप इस बात से परेशान होंगे कि यार लोग हमेशा आपको पासवर्ड पूछते रहते हैं कि यार प्लीज़ वाईफाई का पासवर्ड दो ना, प्लीज़ वाईफाई का पासवर्ड दो ना, क्योंकि उनको वाईफाई लिस्ट में आपका वाईफाई का नाम दिखाई देता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ किया जाए कि आपका वाईफाई नेम किसी को भी नहीं दिखाई दे, तो आपको कोई पासवर्ड ही नहीं पूछेगा। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वाईफाई की ऐसी टिप्स जिसमें आप अपना वाईफाई हाइड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये टेक्नोलॉजी भरा वीडियो। कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। कंप्यूटर में स्मार्ट बनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो जी हाँ दोस्तों, हम कर सकते हैं अपने वाईफाई को हाइड, यानी कि जो भी वाईफाई नेटवर्क हमने लगाया है वो हाइड कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। हाइड करने के बाद आप अपने डिवाइसेस तो कनेक्ट कर सकते हैं, वो कैसे कनेक्ट करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले करना क्या है, आपको आपका ब्राउजर विजिट करना है, गूगल क्रोम ब्राउजर। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, गूगल क्रोम ब्राउजर मैंने विजिट किया है। और ब्राउजर विजिट करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है आपका राउटर का आईपी एड्रेस। तो राउटर का आईपी एड्रेस ये टाइप करने के बाद आप एंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, लुक एट हियर नाउ, आपके सामने स्क्रीन आएगी साइन इन। साइन इन में आपको यूजर नेम पूछा जाएगा और पासवर्ड पूछा जाएगा। अगर आप पहली बार इंटर करो आपको पता नहीं इसके बारे में, तो ज़्यादातर राउटर का यूजर नेम एडमिन एडमिन ही रहता है, मतलब यूजर नेम भी वही और पासवर्ड भी वही। एडमिन एडमिन स्मॉल में टाइप करेंगे तो साइन इन हो जाएगा। अगर आप पहली बार साइन इन कर रहे हो, आपने पहले यूज़ नहीं किया है और ये एडमिन एडमिन से साइन इन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपका जो नेटवर्क प्रोवाइडर है, जब भी उसने राउटर आपको सेटअप करके दिया तो उसने कुछ पासवर्ड चेंज किया होगा। एक तो आप उससे पूछ सकते हैं पासवर्ड, या फिर आप वाईफाई पे एक रीसेट बटन रहता है, या आप स्क्रीन पे दिखा देता हूँ मैं, उसे अगर आप प्रेस करते हो तो रीसेट हो जाता है वाईफाई। लेकिन फिर से कनेक्शन वगैरह करने के लिए जो स्टेप्स लगते हैं वो आपको करने पड़ेंगे। उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप अपना राउटर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क को अगर आपने रीसेट कर दिया है, तो वो बाद में देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे साइन इन कर लो, जो आईडी पासवर्ड मैंने आपको बताया एडमिन एडमिन टाइप करके। फिलहाल मेरा तो अलग है, यहाँ पे मैंने यूज़र नेम रखा है इस तरह से, और पासवर्ड अलग है जो मैं अभी आपके साथ नहीं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन साइन इन कर रहा हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे साइन इन करूँगा, यहाँ पे वाईफाई मेरा जो है टीपी लिंक का वाईफाई है, तो उसका जो पेज है इस तरह से आ रहा है। आपका कौन से भी कंपनी का राउटर रहने दो, सपोज आपका एमआई का राउटर है या कुछ और राउटर है, तो यहाँ पे आपको सेटिंग सेम मिलने वाली, बस स्क्रीन का लेआउट चेंज होता है। मतलब आपको यहाँ पे कुछ WPS नेटवर्क, वायरलेस, DHCP ऐसी सेटिंग्स आपको हर एक राउटर में मिलने वाली दोस्तों। तो फिलहाल हमें वायरलेस से रिलेटेड सेटिंग्स देखनी है, तो मैं वायरलेस ये ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है वायरलेस ऑप्शंस पे, मैं क्लिक करूँ अभी। तो वायरलेस ये ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वायरलेस सेटिंग्स में यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और वायरलेस सेटिंग्स में ऑलरेडी आ चुके हैं चीजें। और वायरलेस सेटिंग के अंदर यहाँ पे राइट साइड में आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। पहले तो आपको आपका वाईफाई का नाम दिखाई दे रहा है जो आपने रखा है। मैंने रखा है यहाँ पे लर्न मोर यूट्यूब चैनल, आप जो भी यहाँ पे शॉर्ट में रख सकते हैं, बड़ा रखना है बड़ा रखिए, आपके ऊपर है। ये नाम आप चेंज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नोट डाउन करना है इस नाम को, जो प्रॉपरली कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट लिखे ये याद रखना है प्रॉपर, क्योंकि यह हिडन होने वाला है। और जब आप कनेक्ट करोगे दोबारा आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे कनेक्ट करना चाहते हो, तो उसका SSID नेम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये नाम किस तरह से लिखा है मैंने, कैपिटल स्मॉल स्पेस की तरह याद रखना है प्रॉपरली। वैसे आपको यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो इनेबल SSID ब्रॉडकास्ट, ये जो ऑप्शन है मैं यहाँ पे अनचेक करूँगा। ये अनचेक करने के बाद मैं इसे सेव करूँगा और राउटर को रिस्टार्ट करूँगा। अब मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा जो राउटर है उसका नाम मुझे अभी वाईफाई के लिस्ट में दिखाई देगा। मोबाइल में मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मोबाइल के लिस्ट में यहाँ पे वाईफाई का नाम आपको नहीं दिखाई देगा। तो अगर आपको वाईफाई कनेक्ट करना है तो करना क्या है, यहाँ पे आपको जाना है वाईफाई में मोर सेटिंग्स, या कहीं कहीं पे एडवांस सेटिंग्स ऑप्शंस रहता है। तो मोर सेटिंग्स में आपको यहाँ पे ऐड नेटवर्क ऑप्शन मिलता है। ऐड नेटवर्क अगर आप टैप करते हो, तो टैप करने के बाद यहाँ पे आपको एंटर करना है SSID, फिर पासवर्ड का टाइप सिलेक्ट करना है। SSID जो भी रहेगा एंटर कीजिए, पासवर्ड टाइप सेलेक्ट कीजिए और पासवर्ड एंटर करके इसे आप
कनेक्ट कर सकते हैं। इतने आसानी से कनेक्ट होता है, बस आपको याद रखना है SSID का नाम कैसे लिखा है आपने, कैपिटल लिखा था, स्मॉल लिखा था, पहला अल्फाबेट कैपिटल था, स्पेस कहाँ पे था, ये सारी चीज़ें याद रखनी है, तब जाके ये आपका वाईफाई आपसे कनेक्ट हो जाएगा। और जब दूसरा कोई भी व्यू करने जाएगा उसके मोबाइल में, तो आपका वाईफाई का नाम उसे नहीं दिखाई देगा। अगर नाम नहीं दिखाई दे रहा है तो सिंपल है कि वो आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा। अभी हमेशा आपसे लोग पासवर्ड पूछते थे, तो ये सब बंद हो जाएगा। आपका नेबर हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है ऑफिस में, या आपके जूनियर्स हो सकते हैं ऑफिस में, वो सारे आपको पासवर्ड पूछ पूछ के तंग करते होंगे। या आप एक क्लासेस चलाते हो तो स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो इन सभी से छुटकारा पाने के लिए ये ऑप्शंस काफ़ी यूजफुल है दोस्तों, जरूर कीजिएगा। और मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कैसा था आज का वीडियो। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर दोस्तों, लेकिन वीडियो को लाइक कर दिया ना, मैंने पहले से बोला था आपको लाइक करने के लिए, क्या ही होगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट लिख के मुझे बताइए कि कैसा था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चैनल पे और भी मोबाइल टिप्स और कंप्यूटर टिप्स के वीडियोज है, वो भी देख लेना। लेता हूं आपसे अलविदा, सीखते रहो, सिखाते रहो, मेरे चैनल के वीडियोज देखते रहो। बाय बाय।